ये लोग डाइवर्जन चेंज कर देते हैं, जिस वजह से पता ही चलता है कि इधर उधर से निकल रहे हैं, ये पहाड़ों को काट के उनके बीच से रोड निकाली है। बस वाला काफी क्लोज ट्रक के भी और हमारी गाड़ी के भी। अब यहाँ बन रहा है सोलन का फ्लाईओवर और ये देखिए क्रेन के सहारे ये लोग बीम्स को खड़े कर रहे हैं और ये फ्लाईओवर ओपन भी हो गया, ऊपर से गाड़ियां जा रही है। टिप्पर बोल रहा है कि मैं आगे जाऊंगा और एलपी वाला बोल रहा है कि मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं इनसे आगे निकलूं। बहुत बड़ा बिल्कुल यू टर्न है ये। देखते हैं हमारा फास्ट टैग ये स्कैन कितनी देर में करते हैं। टनल इसके नीचे ये बुड़ूक टनल जिसे कहते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वक्त हम पहुंच चुके हैं कुफरी और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ थोड़ा काम से, तो नीचे गर्मी बहुत होगी और यहाँ पे भी ठंड का माहौल है। तो हम चल पड़े थे घर से 7:30 बजे सुबह के। देखते वैसे वापस तो आज ही आना है, अगर सामान टाइम पे हम ले सके और अपने सारे कामों से फ्री टाइम पे हो गए तो हम आज ही वापस आएंगे, नहीं तो कल देखेंगे। यहाँ पे सब्जियाँ बेची जाती है, यही महीना है जो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रोड फ्री मिलेगी, इसके बाद तो यहाँ पे ये देखिए रोड कितनी साफ है, फिर भी यहाँ पे मेटल करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए बाइक पे झाड़ू लेके भी जा रहे हैं साथ में, ये देखिए गाड़ी खुद ही साफ करती है रोड को। अब दिक्कत है कि पर शिमला इतना है नहीं कि ये गाड़ी आराम से चल सके, काफी कंजस्टेड है यहाँ पे सब कुछ। और हम तकरीबन 1 घंटा लग रहा है हमें शहर को क्रॉस करने में। बस जैसे हम शिमला से बाहर निकलेंगे उसके बाद थोड़ा राहत मिलेगी ड्राइविंग की और सफर की, क्योंकि जाम और धूल के बीच बुरे हाल होते हैं शहर में। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं शोघी। शोघी लास्ट शहर है शिमला का और हमारे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया है, 1.5 तो क्या 2 घंटे लग गए हैं घर से लेके यहाँ तक। और हम चले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर सिर्फ, क्योंकि शहर में टाइम लग गया था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से आगे 4 लेन का हमें काम दिखेगा, यहाँ पे चला हुआ है कुछ पॉइंट पे। और अब यहाँ दिक्कतें भी शुरू हो जाएगी, लोग इधर उधर से निकल रहे हैं, अचानक ये लोग डाइवर्जन चेंज कर देते हैं जिस वजह से पता ही चलता है कि हम राइट वाली रोड से जाए या लेफ्ट वाली। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा जब तक काम पूरा नहीं होता इस रोड का। तो काफ़ी है जो यहाँ तक भी पहुँच गया, रोड के किनारे बड़े बड़े टैडी बेयर चिपका के रखे हैं लोगों ने। जब ये रोड बिल्कुल कंप्लीट बन जाएगी तो तकरीबन 1 घंटा बचेगा जो कार में आते लोग, तो बहुत 1 घंटा सेविंग का। ये देखिए पहाड़ों को काट के उनके बीच से रोड निकाली है, कच्ची पहाड़ी बोलते हैं, ये गिरती रहती बीच बीच में, तो क्या पता ये लोग इसका सलूशन कुछ देख रहे होंगे। इसमें बीच में फ्लावर लगाएंगे जो ये साइड बीच में इन्होंने पट्टी सी रखी हुई है। और ये देखिए फिर से कच्चा रोड, ये फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं रोड पे जगह जगह पे, इनकी काफी अच्छी सेल हो जाती है वैसे। ये देखिए बड़े बड़े बुलडोजर लेके चला हुआ है ट्रक और ये बस वाला काफी क्लोज ट्रक के भी और हमारी गाड़ी के भी। बहुत रफली चल रहे हैं आज मॉर्निंग में यहाँ पे। और ये देखिए क्या तीखा मोड़ छोड़ा हुआ है इन्होंने, फिर से धूल के बीच। मैं तो कभी बाइक पे बैठ ही नहीं सकती, मुझे तो बड़ा डर लगता है। डर ये शुरू का होता है सिर्फ, जब 1-2 बार राउंड मार ले तो फिर काफी नॉर्मल लगता है, क्योंकि जब सब लोग कर रहे हैं तो इन्हें भी कोई मुश्किल नहीं रहनी थी, कोशिश ही नहीं करते ऐसे बोलो। और ये है वाकना घाट, वाकना घाट है यहाँ पे, काफी कॉलेज खुले हुए हैं, काफी दुनिया के जेपी वालों का भी है। एक देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, अब बहारा यूनिवर्सिटी है ये, बाकी और भी है जिनके बारे में मैं जानता नहीं कहाँ कहाँ होंगी वो। अब मैं ओवरटेक करना चाहता था पर हमें जगह नहीं मिल रही है, यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है। काम तो काफी स्पीड में चला हुआ है पर फिर भी रोड बहुत है और पहाड़ों को काटने में वक्त तो लगता ही है, इसलिए हमेशा पहाड़ी इलाकों में ज्यादा वक्त लग जाता है। ये देखिए हिमाचल के कुछ ड्राइवर ऐसे ऐसे रिस्क लेते हैं, आगे से ट्रक आ गया था, गाड़ी वाला भी गया था यहाँ से, सिर्फ कुछ सेकंड बचाने के चक्कर में ये लोग इतना रिस्क ले लेते हैं। अभी भी देखो अगर आगे रोड साफ दिख रही है तब तो जा भी सकते हैं, दिक्कत तब होती है अगर मोड पे हम ऐसा काम करें। बड़ा रफ चल रहा है वो आगे। और ये देखिए यहाँ पे काम काफी जोरों पे, खूब सारे ट्रक लगे हुए हैं मलबा ढोने के लिए। जगह में भाई तो नीचे पर लगाई, बड़ा प्रोजेक्ट है कोई छोटा तो नहीं, मुझे तो एक टेडी पसंद नहीं आ रहा बड़े बड़े। ये देखिए जगह जगह पे इन्होंने कर्व को काटा हुआ है और थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, ये देखिए कितना चौड़ा होगा ये रोड। अब शायद यहाँ से आगे हमें साफ रोड नहीं मिलेगा,
मुझे लगा कि आगे तक साफ होगा, ये फिर से वैसा ही हो गया जैसा था। चलो कोई बात नहीं, वक्त तो लगेगा ही, इन्हें साल तो कम से कम इन्हें लग ही जाएंगे इस काम में, क्योंकि बहुत है अभी। जितना ये शिमला की तरफ आएंगे उतना टफ काम या रोड ही नहीं मिलेगा। पहाड़ी ज़्यादा है आगे शिमला की तरफ, जितनी आगे आगे जाएंगे उतनी हाइट की जगह आती है और पहाड़ उतने मजबूत आते हैं। ये देखिए पूरी पहाड़ी काट चुके हैं ये लोग। दिक्कत ये भी होती कि अब ये स्लाइड होता रहेगा, अगर ये वक्त रहते यहाँ पेड़ लगा दे रोड के दोनों तरफ, तो ऊपर की तरफ तो खास कर लगा ही दे, तो स्लाइड काफ़ी हद तक रुक जाएगा पेड़ों की पकड़ से। बाकी देखते हैं आने वाले कुछ वक्त में ये क्या करते हैं। देखिए पहाड़ियाँ इन्होंने कैसे छोड़ी बीच बीच में, सोचिए अभी ये बना भी नहीं है पूरा और अभी मज़ा आ रहा है ड्राइविंग का। जब ये फोर लेन हो जाएगा काफ़ी इजी हो जाएगा कि किसी से ओवरटेक करना या किसी ने थोड़ा तेज निकलना है। शिमला से यहाँ तक टेडी टेडी देखे हैं, बाकी कुछ दिखा नहीं। और ये देखिए ये टनल यहाँ पे बन रही है, अब ये टनल जा रही है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। ये देखिए ऐसी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे पहाड़ी काटने के लिए, पत्थर काटने वाली मशीन लगी हुई है यहाँ पे। और ये नीचे जो आपको दिख नहीं रही होगी शायद जगह, पर ये हॉर्टिकल्चर वालों की है। अब देखिए यहाँ से आगे हमें जाम देखना पड़ेगा, काम चला हुआ है शायद। ये हमें कुछ किलोमीटर का रोड फिर साफ मिलेगा, वो देखते हैं कहाँ तक ये साफ रोड हमें नजर आएगा। क्या बिल्डिंग्स होंगी? फ्लैट बने हुए ये ऊपर की तरफ, बाहर के लोग खरीद सकते हैं फ्लैट, ये सोलन का एरिया आता है। और ये देखिए फिर से रोड हो गया है नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं खराब। और ये आपको सामने दिख रहा है सोलन का एरिया, शहर दिख रहा है ये सामने। अब यहाँ बन रहा है सोलन का फ्लाईओवर, काफ़ी वक्त लगेगा अभी इसमें, अभी तो सिर्फ इनके पिलर ही खड़े हुए। और ये देखिए बोर्ड लगे मिलेंगे हमें वर्क इन प्रोग्रेस जगह जगह पर, ये लग रहा है जैसे हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं, पर अच्छा है, काफ़ी काम होता है इन चीज़ों पे, मेहनत भी लगती है वक्त भी लगता है। और ये देखिए क्रेन के सहारे ये लोग बीम्स को खड़े कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं चल रहा हम लोग क्या कर्व काट रहे हैं, कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। और ये है रेलवे ट्रैक, ओके इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकालना था ये रोड इन्होंने। बाजार से जा सकते क्या? हाँ जी, थैंक यू। और हमने डिसाइड किया है कि हम बाजार के अंदर से जाएंगे, अभी 10 बजे थोड़ा बहुत ही जाम मिलेगा शायद, क्योंकि 10 बजे से पहले पहले लोग अपने कॉलेज, बच्चे कॉलेज को निकलते हैं, स्कूल वाले और ऑफिस वाले भी 10 से पहले पहले पहुँच जाते हैं, तो शायद रोड खाली मिलेगा, तो देखते हैं आगे कैसा होता है। अब हम पहुंच रहे हैं सोलन के बाज़ार में, काफ़ी शॉर्ट था यहाँ से, पर देखते हैं अगर बाज़ार के अंदर जाम ज़्यादा ना हुआ तो। और ये है पुराना बस स्टैंड सोलन का जो शहर के अंदर था, और अब तो नया बस स्टैंड खुल चुका है। काफ़ी कंजस्टेड है यहाँ पे, कि शिमला की तरह जैसा शिमला है कंजस्टेड, तो पहाड़ों में ये दिक्कतें होती है हमेशा। अब पुराना शहर है ना, इसे तोड़ फोड़ कर सकते हैं रोड चौड़ा करने के लिए, और ऐसा कि चलो बाईपास बन चुका है तो जिसको जाम से बचना है तो बाईपास से जा सकता है, शहर से आके जाना चाहता है वो शहर से आ सकता है। चलिए मैं वीडियो को ऑन ही रखता हूँ, आप लोग शहर देखिए पूरा, क्योंकि यहाँ पे जाम भी है और गर्मी भी लग रही है। अब एक चौक है यहाँ आगे, तो ये जाता है उधर नारक की तरफ, साइड वाला नारक की तरफ जाता है जो कि राजगढ़ भी जाता है लोगों के पैदल चलने के लिए। देखिए कैसा बनाया हुआ फुटपाथ के ऊपर, ये देखिए फिर से जाम शुरू, पर अब हम शहर से बाहर जाने ही वाले हैं। यहाँ पे तो लोग बिना मास्क के भी ज्यादा घूम रहे हैं, पर यहाँ सख्ती नहीं है, पुलिस हर एक आदमी को तो कहाँ देखेगी, पर लोगों को खुद ही जागरूक रहना पड़ेगा इस चीज के बारे में। अगर हम बाईपास से आते तो यहाँ पे हम टर्न होने थे इस रोड पे, और जब तक रोड पूरा कम्प्लीट नहीं होगा तो ऐसे ही टर्न करने पड़ेंगे। और ये देखिए इन्होंने पहाड़ों को कैसे सीमेंट से जकड़ लिया है। अब एक रोड लेफ्ट साइड से भी जाता है, पर वो काफ़ी लॉन्ग पड़ता है भले बाईपास वो, तो हम जाएंगे राइट साइड से थोड़ा आगे से, शॉर्ट भी है। और ये देखिए कितना तीखा टर्न है ये चढ़ाई के साथ। और ये जगह है बड़ोग, ये सोलन के टॉप पे पड़ता है। हम टनल से ना होके बाईपास से ना होके हम जा रहे हैं शॉर्टकट से, चढ़ाई उतराई वाला रोड है ये, टनल इसके नीचे, ये बड़ोग टनल जिसे कहते हैं, और वो शिमला रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। अब यहाँ से नीचे सिर्फ हमें उतराई ही उतराई आएगी, और रोड साफ मिल रहा है, ये देखिए बिल्कुल साफ रोड है यहाँ पे। और इस रोड पे बस मोड़ ही मोड़ है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चढ़ाई और उतराई रहेगी थोड़ी। जो बाईपास था वो उसके बीच में टनल आनी थी और वो फोर लेन था,
जिससे हम सीधे सीधे निकल सकते थे, छोटा थोड़ी बहुत उतराई चढ़ाई रहनी थी, पर ऐसी नहीं जैसी यहाँ पे। तो कंटिन्यू हम टॉप पे आए, फिर अब टॉप से डाउन जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं धर्मपुर, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, वो जो हम बाईपास छोड़ गए थे वही बाईपास यहाँ जॉइंट होता है, और ये फ्लाईओवर ओपन भी हो गया, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है। और ये हम धर्मपुर के फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं। अगर इस फ्लाईओवर पे आना हो तो हमें उसी बाईपास में आना पड़ेगा जो टनल बनी हुई है एक सोलन में, उसके अंदर से वापसी में देखेंगे अगर लगा कुछ समय के हिसाब से। ये देखिए मंदिर को कितना अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने। और अब यहाँ से लेके मेरे ख्याल से चंडीगढ़ तक अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 लेन ही मिलेगा, काफ़ी हद तक ये कंप्लीट है। बाकी आप लोग 4 लेन का एंजॉय लो वीडियो के थ्रू, मैं ड्राइविंग के थ्रू लेता हूँ। और ये देखिए 2 ट्रकों के साथ जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही है मुझे ओवरटेक के लिए। अब ये दोनों ट्रक एक दूसरे से पास लेने के लिए जूझ रहे हैं। टिपर बोल रहा है कि मैं आगे जाऊंगा, और एलपी वाला बोल रहा है कि मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं इनसे आगे निकलूं और ये जगह छोड़े तभी ना। दोनों में से एक ओवरटेक कर लेता तो चलो अभी ओवरटेक कर लेगा टिपर। ये राउंड मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत बड़ा बिल्कुल यू टर्न है ये। अब हाईवे पे ऐसा टर्न रखना काफी बेवकूफी वाली बात है। अब हम पहुंच रहे हैं जाबली, जहां पे बस और ट्रक वाले लंच या डिनर जो भी है उसके लिए रुकते थे। अब आजकल पता नहीं कौन सा स्टेशन होगा इन बस वालों का, सनवारा। अब तो रोड के बीच में लगी ये फूल भी बड़े बड़े हो गए हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, जैसे गार्डन से गुजर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं परवाणु। अब दिल्ली परवाणु कालका के स्ट्रेट के बजाय हम लोग जाएंगे पिंजौर, जाना है हमने तो इसलिए हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा। अब राइट टर्न लेने के लिए क्या कहाँ से टर्न है, अब ये रोड जाता है पिंजौर कालका परवाणु। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, तो रात का हम पहुंचे तकरीबन 11:30 बजे। देखिए यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पेड़ हमें मिलेंगे हर घर के बाहर। हम जा रहे हैं 22 मार्केट, चले गए हम गूगल मैप को देखते हुए। यहाँ पे चारों तरफ हमें कपड़े कपड़े नजर आएंगे, ये चल रहे हैं अपने काम में रिक्शे के ऊपर बैठ के। देखते हैं हमारा फास्टैग ये स्कैन कितनी देर में करते हैं। अभी शिमला पहुँचने के लिए 3 घंटे और लगेंगे, तब तक मेरे ख्याल से आप लोग सो जाएं क्योंकि मैं आगे शूट नहीं करूँगा रात को, पार्ट 2 इसका आप कल देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।